सिबनी मालवा के आबली घाट में आए दिन डूबने की घटनाएं होती रहती है। सोमवार को भी यहाँ उस समय हादसा हो गया जब भोपाल के मौली से स्नान करने आवली घाट आए एक परिवार के चार लोग तथा एक उनका दोस्त नहा रहे थे, तभी मनीष लोधी नामक युवक गहरे पानी में चला गया, जिसे बचाने गया संजय गुर्जर भी डूबने लगा। आसपास के लोगों की मदद से संजय गुर्जर को बचा लिया गया, वही मनीष लोधी गहरे पानी में चला गया, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों ने डायल 100 पर दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे आसपास के गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। ग्राम अतनापुर निवासी जितेंद्र टेमरे ने बताया कि भोपाल से मनीष लोधी नामक युवक अपने दोस्त के परिवार के साथ स्नान करने आया था, तभी नहाते वक्त वो गहरे पानी में चला गया। आवली घाट के विनोद केवट ने पूरी घटना की जानकारी दी तथा युवक की जाल डालकर तथा गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। घटना स्थल पर पहुंचे डायल 100 पर पदस्थ आरक्षक सुनील विश्वकर्मा ने बताया कि डायल 100 पर सूचना मिली थी कि आवली घाट पर एक युवक नहाते समय डूब गया है, जिस पर मौके पर पहुंचे युवक के डूबने की सूचना सिवनी मालवा थाने को दी है, साथ ही युवक की तलाश की जा रही है। मृतक युवक के दोस्त ने जब लोगों को इस घटना के बारे में बताया तो स्थानीय गोताखोर लगभग एक घंटे से तलाश कर रहे हैं, परंतु अब तक सबका पता नहीं चल पाया है। वहीं अब सिवनी मालवा थाना पुलिस ने NDRF की टीम के साथ संयुक्त रूप से सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है। डूबे हुए युवक के मित्र संजय गुर्जर ने बताया कि मनीष लोधी मेरा मित्र था और हम साथ में ही नहाने आए थे, परंतु नहाने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा, तभी मैंने उसे बचाने का प्रयास किया, परंतु पानी अधिक होने के कारण मैं भी डूबने लगा। आसपास के लोगों ने मुझे बचा लिया, पर तब तक मनीष गहरे पानी में चला गया था, उसका पता ही नहीं चल पाया है।